इंदौर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या हुआ? आप में से अक्सर कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अभी बीते कुछ महीनों से लगातार ये कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं अभी तक इस पर ज़्यादा वीडियो मैं अभी तक इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट निकल के सामने नहीं आ रहा था और अब कुछ धुंधली सी तस्वीर जो है वो उभर कर जो सामने आई है, और मुझे जैसे ही जानकारी मिली है मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये जो जानकारी है वो साझा कर दूं। तो दोस्तों, मैं हूं अमित जलधारी, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। ये आप देख रहे हैं शास्त्री ब्रिज से इंदौर रेलवे स्टेशन का नज़ारा, और आज हम इसी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म हैं, बाकी 2 और जो प्लेटफॉर्म है वो आइलैंड प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 400 मीटर के आसपास दूरी पे हैं। तो इस तरह टोटल 6 प्लेटफॉर्म जो है वो इंदौर के लिए सेवाएं दे रहे हैं। रेलवे ने लगभग 942 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पहले बनाया था, बाद में ये बोर्ड चला गया। आपको याद होगा दोस्तों कि बीच में ये पिछले साल केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं देश के वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव, तो उनका इंदौर आना हुआ था और तब वो प्लेटफॉर्म 1 से दाखिल हुए और यहीं से पैदल होते हुए वो 5 नंबर और 6 नंबर की तरफ गए थे। तो इस पूरे निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ समस्याएं जो हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी, जो उनको लगा था कि नहीं जब भी रीडेवलपमेंट हो तो इन सब को एड्रेस किया जाना। तो जो उनकी खास आपत्ति जो थी वो ये थी कि ये 5 और 6 नंबर जो हैं ये काफ़ी दूर हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है मुख्य स्टेशन के आसपास ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर रेलवे स्टेशन की बनावट या उसकी जो लोकेशन है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आसपास चौड़ाई में ज़्यादा जगह उपलब्ध नहीं है, पर अब चूंकि रेल मंत्री के ये दिशा निर्देश थे कि ये जो 5-6 नंबर जो इतनी दूर बने हुए हैं ये तो बहुत परेशान करने वाला है पैसेंजर्स के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ इंदौर स्टेशन पे ही, मेन स्टेशन पे ही होना चाहिए। तो दोस्तों, जो अभी जो मुझे जानकारी लगी है कि अब ये जो 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म है तो उनको यहाँ सरवटे एंड पे जो अभी जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पे कुछ प्लान करने की कवायद जो है वो चल रही है। ये किस हद तक हो पाता है, कितना हो पाता है, ये देखने लायक बात होगी। स्वाभाविक रूप से रेलवे को अपना कैंपस जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रेलवे के पास सरवटे एंड पे काफ़ी ज़मीन है, चूँकि रिजर्वेशन ऑफिस है वहाँ पे, यूनियंस के ऑफिस हैं, रेलवे का अस्पताल भी है, रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों के फ्लैट्स वगैरह हैं, बंगले हैं, तो वहाँ पे रीडेवलपमेंट में उस पूरी ज़मीन को शामिल करने की पूरी योजना है। तो इनको मिला के एक पूरा होलिस्टिक प्लान जो है वो पूरा तैयार किया जा रहा है दोस्तों, ये अभी तक उसमें लेटेस्ट अपडेट है। बीच में इसमें यह भी हुआ था कि ये जो 942 करोड़ रुपए का प्लान बनाया गया था तो इसको 2 फेजेस में करने की बात हुई थी, लेकिन फिर बाद में बोर्ड ने ही कहा कि नहीं नहीं ये जो होगा ये पूरा एक ही ये पैकेज में किया जाए, इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं किया जाए। तो फिर अल्टीमेटली फिर अब ये सब तय हुआ, ये रेल मंत्री के दौरे के पहले की बात बताई मैंने आपको। फिर बाद में रेल मंत्री ने जो अब चेंजेस जो सुझाए हैं वो अब सुझा के रेलवे बोर्ड भेजे गए हैं, और रेलवे बोर्ड से यदि अगर योजना मान्य होती है तो फिर जो है वो आगे के स्टेप जो फर्दर जो क्लियरेंसेस हैं जो मंजूरियां हैं वो सब ली जाएंगी, और देन फिर ये नीति आयोग के पास जाएगा चूँकि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट अपने पायदानों पे आगे बढ़े और जल्दी नीति आयोग से अप्रूव होकर इसका 2024 में ही काम जो है वो चालू हो जाए। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का जो भी प्लान है लगभग 500 करोड़ रुपए का बनाया है रेलवे ने, जिसमें कि पूरा एक टर्मिनल और कोचिंग का एक पूरा बड़ा सेंटर वहाँ पे बनाने की इसमें पूरी योजना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।